दोस्तों, अभी हमने विभिन्न प्रकार की त्रिज्याएं देखी कि हमारा जो परमाणु का आकार होता है उसकी त्रिज्या से हम उसका आकार की गणना कर सकते हैं। पर ये जो परमाणु का आकार होता है ये किन कारकों पर निर्भर करता है? तो मुख्य रूप से हम ये देखें कि परमाणु का जो आकार होता है वो परमाणु के नाभिक के आवेश पर निर्भर करता है। यदि आप परमाणु का नाभिक आवेश बढ़ा देंगे तो नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के बीच का आकर्षण बढ़ जाएगा। आकर्षण बढ़ जाएगा तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो नाभिक के ज्यादा करीब आ जाएंगे और परमाणु का आकार क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसके अलावा ये डिपेंड करता है कि उसमें कक्षकों की संख्या कितनी है, या कह सकते हैं हम कोशों की संख्या कितनी है। जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ते जाते हैं उसका साइज क्या है? बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि जो परमाणु का आकार है वो हम कहाँ से लगाते हैं? नाभिक के केंद्र से बाह्यतम कोश के बीच की दूरी है ना। तो यदि कोश का आप बढ़ाते जाओगे तो परमाणु का आकार भी बढ़ता जाएगा। ठीक इसी प्रकार ये डिपेंड करता है कि उनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका शील्डिंग इफेक्ट कितना है। यानी शील्डिंग इफेक्ट यदि ज्यादा होगा तो हमारा जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन है उस पर नाभिक का जो प्रभावी नाभिकीय आवेश होगा वो कम हो जाएगा। तो वैल्यू जो त्रिज्या की वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से जो परमाणु का आकार होता है वो विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि आवर्त सारणी में इसकी टेंडेंसी क्या होती है, क्या ट्रेंड होता है परमाणु के आकार का। तो हम देखें कि यदि हम किसी आवर्त सारणी में बाएं से दाएं चलते हैं तो परमाणु क्रमांक बढ़ता जाता है, और परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ साथ यदि हम उसकी परमाणु त्रिज्या नापें तो उसका मान घटता जाता है। ऐसा क्यों होता है कि बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार कम होता जा रहा है? ऐसा इसलिए होता है कि जब हम बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो परमाणु क्रमांक तो बढ़ रहा है, साथ में नाभिक में भी प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती जा रही है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो उसी कोश में प्रवेश करता है, यानी कोशों की संख्या में वृद्धि नहीं होती। तो प्रोटॉनों की संख्या बढ़ने से नाभिक का आवेश तो बढ़ जाता है, पर कोशों की संख्या ना बढ़ने से उस इलेक्ट्रॉन पर नाभ के आवेश का जो मान है वो बढ़ जाता है, और बढ़ने के कारण उसका जो आकार है वो छोटा हो जाता है, यानी परमाणु त्रिज्या का मान कम हो जाता है। ठीक इसी प्रकार यदि हम ग्रुप की बात करें तो ऊपर से नीचे चलने पर परमाणु क्रमांक में जो वृद्धि होती है उसके साथ साथ परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब हम किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो जो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो एक एक कोश बढ़ता जाता है। तो जब नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ेंगे, कोश बढ़ेंगे, तो डेफिनेटली उसका आकार भी बढ़ता जाएगा। यानी कि ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर नाभिक का परमाणु का जो आकार है वो लगातार बढ़ता जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जैसे समूह एक की यदि हम बात करें तो लिथियम का परमाणु त्रिज्या 1.23 होती है, सोडियम की 1.57 होती है, और इसी तरीके से आप देखें तो सीजियम की 2.35, यानी कि ऊपर से नीचे आने पर परमाणु की त्रिज्या में वृद्धि होती है। इसके अलावा भी आपको कुछ यहाँ स्पेशल, जब आप आवर्त सारणी देखेंगे तो उसमें आपको कुछ स्पेशल यहाँ पर प्रवृत्तियाँ दिखाई देंगी। उसमें आप देखेंगे कि जो डी ब्लॉक के तत्व हैं उनकी परमाणु त्रिज्या में एकदम बहुत ज्यादा वृद्धि नहीं होती, बल्कि बहुत कम वृद्धि होती है, और कभी कभी कुछ अनियमित परिवर्तन भी आपको देखने मिलेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ स्कैंडियम से जिंक तक के तत्वों की परमाणु त्रिज्याओं का मान यहाँ पर दिखाया गया है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन तत्वों के जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है इसमें परमाणु संख्या बढ़ने पर जो इलेक्ट्रॉन है वो अंदर वाले डी कक्षक में भरते हैं। तो कोई कोश तो बढ़ नहीं रहा है और इलेक्ट्रॉन किस में जा रहे हैं? डी कक्षक में, जबकि नाभिकीय आवेश तो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में यदि हम दोनों उसके प्रभाव देखें तो एक तो नाभिकीय आवेश के कारण जो आकर्षण बल बढ़ रहा है वो उसको अपनी ओर खींचने का प्रयास करता है इलेक्ट्रॉन को, साथ ही चूंकि इलेक्ट्रॉन n-1 d कक्षक में जा रहे हैं तो
तो जो बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन है वो उनको प्रतिकर्षित करते हैं और नाभिकीय आकर्षण को एक शील्ड बनाते हुए उस तक पहुंचने में बाधा उत्पन्न करते हैं, जिसे हम उसका परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। तो चूंकि ये दोनों प्रभाव विपरीत दिशा में कार्यरत हैं, इसलिए एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, जिससे परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ जो परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ना चाहिए था वो बहुत कम बढ़ता है और उसमें कुछ अनियमित परिवर्तन होते हैं।